नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजौड़े और आप देख रहे हैं एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एसएलएम ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, एक बहुत बेहतरीन स्टाइल है ट्रेडिंग का। अगर आप बाजार पे नहीं हैं तब भी, आप स्क्रीन के सामने नहीं हैं तब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितना बेहतरीन है समझो। जैसे मान लो कि किसी भाव पे आपको किसी स्टॉक को बाइंग करना है या फिर सेल करना है, तो आप वो भाव लगा दीजिए और आप स्क्रीन छोड़ के चले जाइए। अगर वो भाव पे स्टॉक आया तो आपका बाइंग या सेल हो जाएगा, जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए, ये स्टाइल बहुत बेहतरीन है और मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों, कैसे हम एसएलएम ऑर्डर लगाते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं दोस्तों कि बीओ ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ईएमओ ऑर्डर, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा हमारे। तो जिन लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो उनसे रिलेटेड भी वीडियो में बनाऊंगा। कमेंट आप जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए सीखते हैं एसएलएम ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों मान लो कि मुझे किसी भाव पे किसी स्टॉक को बाइंग करना है या फिर सेल करना है। अगर मुझे किसी स्टॉक को किसी भाव पे बाइंग करना है तो उसको मैं कैसे बाइंग कर सकता हूँ। जैसे मेरे सामने स्क्रीन में चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, मैं इसको एक भाव में बाइंग करना चाहता हूँ। जैसे हम यहाँ पे चार्ट लगा दीजिए दोस्तों, जैसे कि हमें बाइंग करना है रिलायंस इंडस्ट्री को, मैं बाजार पे नहीं हूँ और मुझे बाइंग करना है, मार्केट ओपन है और मैं इसको बाइंग करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर 1450 के ऊपर जाए तो ये बाइंग हो जाए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑर्डर लगा दूँ। क्वांटिटी डाल दीजिए अपने मर्जी से, मैं आपको यहाँ पर एक डाल के बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इंट्राडे के लिए प्ले करना है तो आपको एमआईएस डालना है। अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं बाइंग करके तो आप सीएनसी डालिए, ठीक है। सीएनसी मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। जैसे मुझे लेना है इसको एमआईएस में, तो मतलब इंट्राडे में लेके आज ही इसको बेच भी देना है। तो पहला ऑर्डर डालिए आप इसमें एमआईएस का कि भाई 1450 के ऊपर जाए तो बाइंग हो जाए। एसएलएम ऑर्डर को सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। आप यहाँ पे डाल दीजिए 1450, ठीक है, और आप क्वांटिटी डाल दिए हैं एक, आप इसको बाइंग कर लीजिए। अब मैं बाइंग ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया प्लेस। ओके, आपका ऑर्डर यहाँ पे दिख गया। अब आप यहाँ पे जाओ, चेक करो ऑर्डर लगा क्या। देखो अभी कहाँ पे चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा है, 1432। आपका ट्रिगर प्राइस क्या है, ये ट्रिगर प्राइस कहलाता है, ठीक है। अभी ऑर्डर आपका पेंडिंग है, 1450 के ऊपर जाएगा तो हमारा बाइंग हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा बाइंग ऑर्डर। अब आप इसको मॉडिफाई भी करना चाहते हैं, इसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए। देखिए जीरोधा का टर्मिनल है, हम जीरोधा के ऊपर हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जीरोधा में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे आईडी सेंड कर दीजिए, मैं आपको अपने ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अब दोस्तों जैसे इसके मान लो मॉडिफाई करना है, मेरा मन किया कि भाई नहीं मुझे इसको नहीं खरीदना है, तो आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपको मॉडिफाई करना है कि नहीं मुझे इसको बाइंग करना है 1455 पे, तो आप मॉडिफाई कर दो, 1455 कर लो, ठीक है। ये मॉडिफाई हो गया, 1455 जाएगा तब बाइंग होगा। आपको लगता है कि भाई मुझे इसको 1435 पे बाइंग करना है, ठीक है, अभी 33 चल रहा है, आपको लगा कि मुझे नहीं 35 में ही बाइंग करना है, 35 लगा दीजिए, 35 जैसे जाएगा आपका बाइंग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मान लो, मैं यहाँ पे कैंसिल करके आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। चलिए अभी हो गया हमारा कैंसिल, खत्म कर दीजिए, आपका एक कैंसल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि मान लो मुझे इसको सेल करना है, ठीक है, अब हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। मैं चार्टिंग का भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, चार्टिंग का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मुझे लगता है कि भाई इस स्टॉक को मुझे सेल करना है, ठीक है, मुझे सेल करना है 1430 के नीचे, 1430 के नीचे जाए तो मेरा सेल हो जाए। चलो हम यहाँ पे 30 डाल देते हैं भाई, ओके, सेल का ऑर्डर डाल दिए। अब यहाँ हम सेल के लिए क्लिक कर दें, ये हो गया हमारा सेल। जब इसके नीचे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो सेल ऑर्डर हमारा यहाँ पर ओपन है, अभी ट्रिगर पेंडिंग है। इसके बाद आप कहीं भी घूमते रहो, कितना मजेदार टर्मिनल है, मतलब स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है, घूमते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे रहिए,
अब मान लो कि मुझे इसे कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर लूँ, मान लो मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई कर लूँ, जो मेरी मर्जी है। ये मेरा टर्मिनल है, इसको आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं और बता दूँ आप लोगों को। देखिए क्या होता है कि एक ऑर्डर आपका, मान लो कि हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया, हमारे सामने कौन सा चल रहा है, एसर मोटर। मैंने एसर मोटर पे क्लिक किया, देखिए मुझे बाइंग करना है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में लाता हूँ अपने कर्सर को एसर मोटर के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा बाइंग ऑर्डर किए, बाइंग ऑर्डर ले लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक दूसरे का ही स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया बाइंग के लिए, ओके, बाइंग के लिए ऑर्डर डाल दिया हमने, एसएलएम हमने डाल दिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया एसएलएम को, मुझे बाइंग करना है 900 के ऊपर। सपोज दैट मुझे 900 के ऊपर बाइंग करना है, 19900 के ऊपर मुझे बाइंग करना है, तो मैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डाल दिया, ठीक है। ये ऑर्डर प्लेस हो गया, हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मान लो कि मुझे इसको सेल करना है, ठीक है, कि भाई इस भाव के ऊपर बाइंग हो जाए और इस भाव के नीचे सेल हो जाए, ठीक है। तो कई लोग इस स्टडी से भी ट्रेड करते हैं, मैं इस स्टडी से बहुत ट्रेड करता हूँ इसको, ओके। तो हम यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिए, और सेल कहाँ करना है मुझे, 800 के नीचे, तो 800 डाल दो या 700 के नीचे डाल दो भाई, कि 700 के नीचे मुझे सेल करना है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दो, ओके। देखो आपके दो ऑर्डर ओपन हो गए। अब दोस्तों कितने मजेदार बात है, आपको पता है कि भाई मेरा रिस्क इसमें 200 है, मतलब अगर ये स्टॉक नीचे जाए तो मेरा सेल हो जाए, ठीक है, तो ऊपर वाला मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब बाइंग ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है, 900 के ऊपर जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे चार्ट ले आते हैं। अगर हमें ये, अगर स्टॉक 900 के ऊपर जाता है, 19,900 के ऊपर जाता है, तो क्या होगा, जो लोअर साइड का लगाए हैं आप, ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, और स्टॉक को जाने दीजिए, जहाँ जाना है उसको जाने दीजिए, ठीक है। आपके पास फिक्स है ना, आपके पास पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है आज का, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। और अगर नीचे जाता है तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब आपके पास रिस्क कितना है, 200 का। और स्टॉक को घूमने दीजिए, किसी भी स्टॉक को घूमने दीजिए, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड लीजिए, चाहे आपके साथ या SBI को कर लो या रिलायंस को कर लो, जो आपके मर्जी है, जो आपका पसंदीदा स्टॉक है। कई लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, खासकर प्रोफेशनल, जिन लोग स्क्रीन के सामने दिन भर नहीं बैठे रहते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है, वो इस ऑर्डर का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन स्ट्रेटजी है दोस्तों, असल में इसको स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा SLM ऑर्डर का, हमने तरीका आप लोगों को बता दिए। इसके साथ मैं आप BO ऑर्डर, कवर ऑर्डर का भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखिएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और भी किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, चार्टिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, उसको तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, इनसे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो भी आप लोगों को बना के जरूर अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।